आपने KGF 2 मूवी की बेहतरीन एक्टिंग के चर्चे तो कई बार सुने होंगे, लेकिन आज पहली बार आप इस फिल्म में दिखाई गई गलतियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों को फिल्म के हीरो से प्यार होता है, लेकिन विलन से भी प्यार करने को मजबूर कर दे ऐसा तो बस अपने रॉकी भाई ही कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ देखिए, जब रॉकी भाई हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और पैर नीचे रखते हैं, लेकिन उनके तो एक पैर रखते ही वहाँ पर धूल उड़ने लगती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि यहाँ पर अगर इतनी ही धूल थी तो हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से ये उड़ी क्यों नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉकी भाई के जूते में ही धूल भरी हुई थी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, इसकी ओवर एक्टिंग के लिए तो 50 रुपए काटने चाहिए। आप खुद देखिए, इतने लोग जमा हैं, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन ये अपने फोन में पता नहीं ऐसा क्या देख रहा है कि इसे कुछ पता ही नहीं चलता। फिर दूसरा बंदा इसे आकर बताता है, तब ये अपनी नींद से जागता है। मतलब बस कमाल ही है। वैसे जिसे रॉकी भाई प्यार करे उसका एटीट्यूड में रहना तो बनता है, लेकिन इसे एटीट्यूड नहीं बेवकूफी कहते हैं। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, ये बेचारा तो इनसे पहले ही 2 फुट की दूरी पर खड़ा है और ये कह रहे हैं डोंट टच मी। अब इस बात का क्या सेंस था, कोई बताएगा मुझे? जब रॉकी भाई ऑफिस में जाते हैं तो मंत्री की टेबल पर रखे फोन के बीच में गैप काफी कम होता है और टेबल पर एक साइड से काफी सारी रोशनी आ रही होती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो फोन के बीच का गैप भी बढ़ जाता है और रोशनी की जगह अंधकार आ जाता है। लगता है सब कुछ रॉकी भाई के आने की वजह से चेंज हो गया। हमाना की गन को लोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन KGF वालों ने तो हद ही कर दी। इनको देखिए, ये कितनी देर से गन को लोड करके बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे बंद हो ही नहीं रही। पर जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो ये क्या देख लिया हमने, ये गन तो पहले से ही बंद है। अब पता नहीं इतना जोर भाई साहब लगा कहां रहे थे। रॉकी भाई इस हीरोइन को प्यार करते हैं और इन्हें अपने साथ ले आते हैं। चलो माना कि रॉकी इनका किडनैप करके इनको लाते हैं, पर अच्छे से तो रखते हैं, लेकिन ये अलग ही एटीट्यूड दिखा रही है। पर रॉकी भाई ने भी इनका अलग ही जुगाड़ कर दिया है। जब ये काम करने वाली इसे जूस देने जाती है तो उसी के मुंह से निकला हुआ जूस रॉकी भाई उसके लिए लेकर जाते हैं। रॉकी भाई, ये आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, अब आप दूसरा जूस तो उसे दे ही सकते थे ना। शाबाश, जहाँ भी नेता होता है भीड़ तो वहाँ आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ हमें KGF 2 में भी देखने को मिला था, लेकिन फिल्म में दिखाई गई इस बात का तो हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, रमिका सेन को एक जगह हाइट पर खड़े हुए दिखाया जाता है और उसके सामने बहुत सारी भीड़ जमा होती है, लेकिन ये क्या, जहाँ पर रमिका को खड़े हुए दिखाया गया है वहाँ तो खड़े होने की जगह भी नहीं है, तो फिर आखिर ये वहाँ खड़ी कैसे थी? या फिर हो सकता है कि वो हवा में लटकी हुई हो, क्योंकि नेता तो कुछ भी कर सकते हैं। बात तो सही है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ देखिए, जब एक गुंडा आकर रॉकी भाई को कहता है कि हमें चेक पोस्ट 1 पर कम से कम 300 लोगों को तैनात करना होगा, लेकिन ये क्या, जब चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं तो रॉकी भाई के लोगों को और अधीरा के आदमियों को मिलाकर भी यहाँ मुश्किल से 50 लोग होंगे, तो फिर वो 300 लोग गए कहाँ? लगता है वो किसी और रैली में चले गए होंगे। यहाँ पर ये बंदा पुल पर पेट्रोल डालता है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि पेट्रोल थोड़ी थोड़ी जगह पर ही डाला गया है, लेकिन जैसे ही ये माचिस की तीली लगाता है तो पुल तो एकदम भभक कर जलने लगता है, जैसे पूरे पुल को ही इन्होंने पेट्रोल से नहला दिया हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको KGF 2 मूवी की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।